इंदौर नगर निगम में हुए ड्रेनेज के करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसी कड़ी में एमजी रोड पुलिस ने एक फरार ठेकेदार को सरवटे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों इंदौर नगर निगम में ड्रेनेज का घोटाला सामने आया था, जिसमें कई नगर निगम के कर्मचारी और एक बड़े अधिकारी के साथ साथ कई ठेकेदारों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसी मामले में एमजी रोड पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड से एक फरार आरोपी जाहिद खान को गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी बिल लगाकर लगभग 1.8 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। एमजी रोड पुलिस आरोपी जाहिद से पूछताछ करने में जुटी है। सर, निगम घोटाले में एक और आरोपी को पकड़ा है, किस तरीके की इसकी भूमिका जो जाना है? इसमें ये जो आरोपी जो पकड़ा गया है, यह ठेकेदार था और इसने फर्जी बिल तैयार करके नगर निगम से भुगतान प्राप्त किया है। उसको आज सरवटे बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा कितनी की धोखाधड़ी की गई, किस तरीके से पूरा फर्जी बिल तैयार करके इसने जो भुगतान प्राप्त किया है, उसमें 1.8 करोड़ रुपए लगभग का इसने प्राप्त किया। इसके स्वयं के एक करोड़ हाँ, इसी के खाते में 1.8 करोड़ का भुगतान किया गया। कहाँ से इसको गिरफ्तार किया? सरवटे बस स्टैंड। सर, कितने टाइम से फरार था ये और क्या इनाम था? लगभग 15 से 20 दिन से फरार था जब से FIR हुई। इसकी कुछ डिटेल विटेल और निकाली? अभी इसमें विवेचना जारी है, कल इसका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। क्या नाम है इसका और कौन सी पद पे था? एक ठेकेदार था, इसका नाम जाहिद खान है और इंदौर का ही रहने वाला है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।